आज देश आर्थिक तौर पर कमजोर हो चुका है और देश को आर्थिक मजबूत करने के लिए जिस बुद्धि की जरूरत है वैसे लोग कांग्रेस में है, इसलिए उन्हें बेशक महत्व दिया जाएगा। ऐसा वक्तव्य आज नाना पटोले इन्होंने किया। और आज देश वही आर्थिक कमजोर हो चुका है और ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो है वो जो कांग्रेस के पास है, जिसको जिनको इस देश की आर्थिक और देश की जो युवा और देश की प्रगति की जो नाल मालूम है, वैसे लोग कांग्रेस के पास है और ऐसे लोगों को तो महत्व दिया ही जाएगा, क्योंकि आज देश को डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए की सरकार की मुखिया हमारी नेता सोनिया गांधी ऐसे विपरीत परिस्थिति में उस समय वो उस यूपीए की नेता बनी और देश को आगे ले जाने का काम किया। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से काश्मीर चलकर उन्हें ये दिखा दिया कि देश को, देश की संविधानिक व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए जो तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, और ये ऐसे लोग नेता नेतृत्व करने वाले लोग हमारे कांग्रेस के पास है और ऐसे लोगों का एक अलग महत्व सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं देश के लिए भी महत्वपूर्ण रखता है। न्याय देवताओं पे सबको विश्वास रखना ही चाहिए, लेकिन मैंने जब बार बार कहा कि मैं खुद विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ, मुझे पता है कि शेड्यूल 10 की पावर क्या है और शेड्यूल 10 के आधार पर 16 विधायकों को अपात्र करने के अधिकार शेड्यूल 10 के आधार पर है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रकरण है और इसलिए इस प्रकरण में अब माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या करता है उसके ऊपर हम लोग ध्यान रखा रहे हैं। हमें न्याय व्यवस्था पे विश्वास है। आता देशभरामध्ये काँग्रेसचे मोठे नेते हे वेगळ्या वेगळ्या राज्यात जाऊन त्या पद्धतीचं केंद्र सरकारनी आपण पाहिलं की राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांनी जे दोन मुद्दे राज्यसभा आणि लोकसभेमध्ये उपस्थित केलेले होते त्यामध्ये अदानीबरोबर नरेंद्र मोदीजींचं काय संबंध, विदेशात कितीदा ते सोबत होते, त्यांच्यासोबत कितीदा विमानात गेले, जागतिक पातळीवर किती कॉन्ट्रॅक्ट अदानीला नरेंद्र मोदीजीने भेटवून दिले, हे सगळे प्रश्न राज्यसभा आणि लोकसभेमध्ये राहुल गांधीजी आणि मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांनी विचारले आणि त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं की रेकॉर्डहूनच हे सगळे प्रश्न त्या ठिकाणी काढण्यात आले। हा एक लोकशाहीचा खून, सर्वोच्च जे लोकशाहीतलं जे मंदिर आहे लोकसभा आणि राज्यसभा, इथं नरेंद्र मोदीचं आणि भाजपचं सरकार करते आहे आणि म्हणून यासाठी देशभरामध्ये सगळ्या राज्यामध्ये काँग्रेसचे प्रमुख मला पण देहरादूनला जायचं।